किसकी जिम्मेदारी? बिहार सरकार की जिम्मेदारी और किसकी? FIR किस पर होना चाहिए? FIR किस पर होना चाहिए? मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, DGP पर होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी पर होना चाहिए। RLJP क्या करेगी सर? आप लोगों ने आज महाधरना दिया, आगे फिर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत सरकार को अपनी अनुशंसा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजय सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस राजभवन पहुंचे थे और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई है, उसी को लेकर महामहिम राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपने के बाद जब वो बाहर निकले तो हमने बात किया लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज से। तो क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम सबों ने आज महामहिम जी से मुलाकात किया। बिहार की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उससे अवगत कराया। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गया है उससे हमने अवगत करवाया। बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी विफल रही है उससे हमने अवगत करवाया। और जिस तरीके से बिहार में जिस जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है उससे हमने अवगत करवाया। और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का हमने राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोगों ने मांग किया है, जिसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में 7 बिंदुओं पर हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। पहला, जो शराबबंदी कानून, राज्य में शराब का अवैध कारोबार का न्यायिक जांच कराई जाए। दूसरा, राज्य सरकार शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से लागू करें, यदि पूर्ण रूप से लागू करने में अक्षम है तो परिवर्तन निस्तत स्थिति में रखा जाए, यानी शराबबंदी कानून को अविलंब वापस लिया जाए पूर्वत स्थिति में। तीसरा है, 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून के बाद जहरीली शराब से हुई मृत्यु के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि का मुआवजा एवं आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। चौथा, तारी एवं कृषि उत्पाद का दर्जा देते हुए तारी उत्पाद, व्यवसायी, परिवहन इत्यादि को शराबबंदी कानून से अविलंब मुक्त किया जाए। पांचवा, बिहार में लगातार हो रहे बैंक लूट, स्वर्ण व्यवसायी लूट, हत्या सहित अन्य गिरती विधि व्यवस्था को संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की कृपया की जाए। छठा, बिहार में विगत कुछ दिनों से लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरवल जिला के परासी चकिया गांव में श्री रामजीत पासवान के यहां उनकी पत्नी के साथ बलात्कार के असफल होने के पर घर में आग लगाकर सुमन देवी एवं उनकी मासूम बेटी को श्रद्धा कुमारी को जलाकर मार दिया गया। वही शराब माफियों के द्वारा बेगूसराय के सहायक थाना अंतर्गत छोराही के पूर्व प्रथार गांव में रंजू देवी पासवान के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाए। सातवां और आखिरी, बिहार में पशुपालन घोटाले में बड़ा घोटाला बालू घोटाला हुआ है, जिसका उल्लेख नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक ने 2020-21 की रिपोर्ट में 486 करोड़ का घोटाला स्पष्ट किया है, यानी अन्य वित्तीय वर्ष में भी इसका घोटाला हुआ है, जिसकी CBI जांच कराई जाए। ये 7 बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी से आज मुलाकात किया और उन्हें हम लोगों ने यह ज्ञापन छपरा में तो न्यायिक ये है वो अशोभनीय बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि बिहार विधानसभा का सदस्य होता है और बिहार विधानसभा के अंदर में मुख्यमंत्री ने अपशब्द का व्यवहार किया और कहा इन लोगों को घर बाहर करो, ये तुम ताम किया, ये बहुत ही गलत संदेश किया है। कौन है जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार कौन है? शराब के मौतों पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? पशुपति जी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? किसकी जिम्मेदारी? बिहार सरकार की जिम्मेदारी और किसकी है? FIR किस पर होना चाहिए? FIR किस पर होना चाहिए? मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, DGP पर होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी पर होना चाहिए। RLJP क्या करेगी सर? आप लोगों ने आज महाधरना दिया, आगे तो आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने साफ तौर पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से
बिहार में शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा महामहिम से और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फोर नेशन के साथ। नमस्कार।